वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C। एक्सरसाइज 3C में कह रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या है, तो देखो पहले ये क्वेश्चन को देख लो। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर हो हमारी पूरी पॉलिनोमियल में। अगर 2 होती है हाईएस्ट पावर तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब ये ट्राइनोमियल्स क्या, देखो इसमें तीन पार्ट है ना, 1, 2, 3, तो इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। मतलब तीन टर्म्स से ना, अलग अलग एक टर्म्स, दो टर्म, तीसरा है ना, तो इसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब हमें इसको करना है फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसमें ना ज्यादातर क्वेश्चन में आपके फॉर्मूले यूज ही नहीं होंगे, बस 2-3 रूल है उसको लेके चलोगे तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही इजिली सॉल्व होगा। देखो जैसे हमने एक्सरसाइज 3B में सॉल्व किया था ना, उसमें एक हमारे पास आइडेंटिटी थी a² - b² वाली, मगर इसमें एक भी आइडेंटिटी नहीं लगानी। कितनी अच्छी बात है, आपको याद ही नहीं रखना है कुछ, बस आपको इसके बस रूल फॉलो करने। अगर आप रूल फॉलो कर लोगे तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना होता। यहां पर तुम्हें देख रहा होगा 30 लास्ट टर्म है, ठीक है, और इसका जो पहला टर्म है वहां पर x². अगर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर 1 होता है, ठीक है। अगर कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया। तो अब लास्ट वाले को और पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 × 1 करो, 30 × 1 क्या होता है, 30 ही आएगा, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। यहां पर अगर 1 की जगह पे अगर मान लो सपोज यहां पर 2x² दिया होता, 2x², तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 30 से करते, यहां पर जो भी दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझ गए, हमें अब मिल गया 30। अब हम लोग इसके फैक्टर निकालते हैं। तो देखो 30 का फैक्टर निकालोगे, 2 से करो 15 टाइम चला जाएगा, ठीक है, फिर 3 से करोगे 3 5 से चला जाएगा, फिर 5 से करोगे 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर क्यों निकालें ये भी समझो। देखो हम यहां पर इसके फैक्टर लिखते हैं, यहां लिखा हमने 2 × 3 × 5। ये बहुत इजीली समझ लो, हम डीपली समझा रहे हैं, ठीक है, फिर आगे आगे जल्दी जल्दी करते रहेंगे, क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व होते रहेंगे। अब यहां पर 2 × 3 × 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहां पर जो बीच का टर्म होगा, जैसे यहां पर बीच में क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है ना, 11। तो हमें हमको जो ये फैक्टर करके हम लाए हैं, इसमें ऐसा हमें दो नंबर बनाने हैं जिसको प्लस करने पर 11 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए, समझ रहे हो। अब हमें ऐसे नंबर इसमें से ढूंढने हैं कि हम प्लस कर दें तो 11 बन जाए वो, और अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 30 बन जाए। वो दो नंबर क्या होंगे, देखो 3 × 2 कर दो 6, ठीक है, और अगर 6 + 5 कर दो तो 11 होगा, और 6 × 5 = 30 भी होता है, समझ रहे हो। देखो 3 × 2 हो गया 6, 6 × 5 करो हो गया 30, और 6 + 5 करो तो हो जाएगा 11, समझ गए इतनी बात। कितना इजी है ना, हमें यही चाहिए था, मल्टीप्लाई करने में 30 और प्लस करने पे 11। तो अब वही चीज हम लोग अब इसमें लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे ये भी अच्छे से समझ लेना। यहां पे लिखा x², तो हमने x² को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे लिखा प्लस 11x को हमने कैसे बनाया था, 6 + 5 ना, तो यहां लिखेंगे 6, ठीक है, यहां लिखा प्लस और यहां कर दिया 5। अब देखो 11 के साथ में x है ना, तो यहां पर हमने x भी लिख दिया बस, ठीक है, और प्लस कर दिया हमने, यहां पर कितना आ गया हमारे पास, 30 आ गया, 30 था ही तो 30 लिख दिया, बस इतना किया। अब सिंपल से अब तुम्हें क्या करना है, अब इसमें कॉमन निकाल लेना और आंसर आ जाएगा। देखो इस ब्रैकेट पहले इन दोनों को एक में रखो और इन दोनों को रखो, इन दोनों से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा होगा, x दिख रहा होगा, तो x हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x + 6 बच गया। सेम चीज वही इसमें करो, इसमें हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं ना, तो 5 को कॉमन निकाला तो यहां बचेगा x + 6 बचेगा, क्योंकि 5 कॉमन निकाला तो 6 × 5 = 30 होता है। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों सेम है ना, अगर सेम है तो इसका मतलब ये समझ लो तुमने सही किया है, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो ये समझ लो तुमने गलत कर रखा है, समझ गए ना, ये है अपने खुद को चेक करने का तरीका। तो ये दोनों सेम है तो हमने सही किया हुआ, तो ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं, x + 6 कर दिया, और ये अलग है तो x + 5 इस एक ब्रैकेट में कर दिया, बस इतना किया, ये हो गया हमारा आंसर। देखो कॉमन लेना तो एक्सरसाइज 3A 3B से सीख रहे हो, तो कॉमन तो आता ही होगा लेना, बस तुम्हें ये स्टेप सीखना है कि तुम्हें मल्टीप्लाई किससे करे, कैसा, कि ये बीच वाला बन जाए, सॉरी आखिरी वाला बन जाए, और प्लस करे तो बीच वाला बन जाए, हर क्वेश्चन में यही रूल लगेगा। तो चलो अब हम लोग सेकंड करते हैं। तो सेकंड में भी देखा हमने कि हमारे पास जो लास्ट में है वो 32 है, तो हमने यहां पर 32 लिखा, ठीक है, और
आगे जो है वो क्या है, वन है, कुछ नहीं होता तो वन होता है, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब इसके हमने फैक्टर कर दिया, तो यहाँ पर 32 लिखा, 2 से करना स्टार्ट किया, 2 वन 2, 2 सिक्स 12, 2 एट 16, 2 फोर जो, फिर 2 किया, फिर 2, 2 1, तो हमारे पास आ गया ये 2, 2 और ये 2, ठीक है, इतना आ गया ना। अब हमने बीच वाला देखा, बीच में क्या है हमारे पास 18 है, 18 है ना। अब हमें क्या करना है कि हम लोग मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास 32 आ जाए, और हम लोग प्लस करें, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस करें तो 18 आ जाए। इन फैक्टर की हेल्प से ऐसे हमें दो नंबर निकालने हैं जिनका ऐड करने पे 18 और मल्टीप्लाई करने पे 32 आ जाए। देखो अगर हम लोग बनाते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है 16 बनाते हैं, चलो यहाँ पे लिखा हमने 16 प्लस क्या बचा हमारे पास 2, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 किया बचा क्या 2, तो इसको हमने प्लस किया तो कितना आ रहा है 18, प्लस करने पे तो 18 आ रहा है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 16 इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो इजिली हमने कर लिया कि मल्टीप्लाई करने में 32 ले आए और ऐड करने में 18 ले आए, हो गया हमारा। बस हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 18 की जगह पे हमने क्या बनाया था, 6 प्लस 2 है ना, बनाया था ना 6 प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे 6 ओके प्लस 2, और यहाँ पर x लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर x भी लगा देंगे और प्लस आ जाएगा 32, हो गया, कितना इजी है। अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे, पहले इस वाले से लेंगे फिर इस वाले से लेंगे, तो इसमें तुम देखो इन दोनों में तुम्हें x कॉमन दिख रहा है, तो हमने x लिखा लिया, अंदर क्या बचा x बचा, और यहाँ पर बचा सिर्फ 16 कर दिया, प्लस यहाँ पर हमने 2 ले लिया और अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस 16, बस इतना कर दिया। अब हमने देखा हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही किया हुआ है, तो इन दोनों को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, x प्लस 16 को कर दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है x प्लस 2, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, क्वेश्चन 3 हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, पहले लास्ट वाला देखो और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ कर दो, यहां पर क्या है 1 है, तो 69 इंटू 1 करोगे तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा 69 ही मिलेगा। अब फिर 69 का फैक्टर करो, तो 69 का फैक्टर करोगे तो ये 3 से जाएगा, 3 2 जो 6 हो जाएगा, 3 3 जो 9 होगा, फिर ये किसी से जाएगा नहीं, ये 23 से ही जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, बीच में 20 है, क्या है 20। अब हमें इन दोनों नंबर से ऐसा सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई करने में 69 आ जाए, ठीक है, प्लस या माइनस करने में 20 आ जाए, ये हमें करना है, ध्यान रखना, कुछ भी करने पे प्लस या माइनस करने में 20 लाना है और मल्टीप्लाई करने में 69। तो देखो भाई इजिली दो ही नंबर कर लेंगे हम आराम से, 23 ठीक है इंटू 2 कर दो, सॉरी 3 करोगे तो 69 आ जाएगा, ठीक है। अब 23 माइनस 20 कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आएगा वो भी किसका, प्लस का, प्लस 20 है ना, तो यहां पर प्लस 20 आ गया, समझ गए इतनी बात, चलो हम लोग करते हैं। अब यहां पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर जो पहले से लिखा हुआ है वो लिख दिया, अब इस जगह पे जहां पर 20x है वहां पर लिखा हमने 23 ओके, और यहां पर माइनस कर दिया और यहां कर दिया हमने सॉरी ओके ये जीरो नहीं होगा गलती से कर दिया, यहां पर 3 होगा, ठीक है 3 करेंगे तभी तो 20 आएगा, वो तो गलती से कर दिया ओके। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 3, अब देखो यहां पर x है तो यहां पर भी x किया, यहां पर भी x किया, माइनस लिख दिया 69 ओके, समझ गए। अब इन दोनों को एक में रखा, समझ लो कि ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, अब इसमें से कॉमन लो, इसमें से x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 23, अब इसमें से कॉमन लोगे माइनस 3, इस वाले से माइनस 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x, और यहां पर देखो माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यहां बचेगा 23। अब हमने देखा ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने सही कर रखा है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 23 एक ब्रैकेट में और x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब देखो क्वेश्चन 4 में फिर से हमने क्या कहा, लास्ट और फर्स्ट देखो इनका मल्टीप्लाई करो, लास्ट में है 150 और फर्स्ट में हमारे पास देखो क्या है 1 है, तो 1 लिखा, इसका मल्टीप्लाई करो 150 किया, अब इसका हम लोग फैक्टर निकाला, 150 हमने लिखा ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालो तो क्या आ जाएगा फैक्टर में, 3 से जाएगा तो हम लोग 3 से करते, 3 5 से 15 हो जाएगा 0, फिर ये किससे जा सकता है 5 से जाएगा तो 5 से करो, 5 10 जा
फिर टू से करो टू फाइव जा, फिर फाइव से करते हैं वन, ठीक ये आ रहा है हमारे पास। अब देखो बीच में हमारे पास 19 है, ये 19 है ना बीच में, तो यहां पर हमने लिखा 19। अब हमें ऐसा कुछ करना है इन नंबरों से कि मल्टीप्लाई कर दें, दो नंबर ऐसे बना देने हैं इससे कि मल्टीप्लाई कर दे 150 आ जाए और प्लस कर दे या माइनस कर दे तो 19 आ जाए, ऐसा हम लोग को कुछ करना है। तो सोचो क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग करते हैं 3 2 6, ठीक है 5 5 25, तो 25 × 6 कर दिया, क्या आ जाएगा बताओ 150 आएगा क्या? अगर अच्छा ये देखो 25 माइनस 6 करो तो क्या 19 आ जाएगा, देखो ना ध्यान से देखो, देखो 25 × 6 करोगे 150 आएगा ही, ओके और 25 माइनस 6 करोगे तो 19 ही आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबरों का तो ये मिल जाएगा और माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें यही तो चाहिए था। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहां पर एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है प्लस 19x, तो यहाँ प्लस किया 19x को हमने ऐसा बनाया था ना कुछ, तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस का और यहाँ पर कर दिया हमने x क्योंकि यहाँ पर भी x है, -6 यहाँ पर भी x कर दिया -150। बस हमें कुल मिला के चेंज सिर्फ इसको करना होता है, मतलब इसको दो पार्ट में बांट देना होता है बस, और कुछ खास नहीं करना है। अब इन दोनों में से देखो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, एक्स को बाहर किया अंदर बचेगा एक्स प्लस 25 और फिर यहां पर देखो हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं वो भी -6 को, तो अंदर बचेगा एक्स, अब देखो माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 25 आ जाएगा, ठीक है क्योंकि 6 से डिवाइड करो 150 को 25 टाइम चला जाएगा। अब देखो ये ब्रैकेट सेम, इसका मतलब हमने सही किया, तो यहां लिखेंगे एक्स प्लस 25 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 6 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, अब 5 पे आओ, 5 में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, देख रहे हो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 है, ठीक है। अब देखो 98 इंटू आगे वाले से कर दो, आगे क्या है 1 होगा, तो यहां 98 इंटू 1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 98, बीच में 7 है तो 7 लिखा। अब हमें इसका फैक्टर करना है 98 का, और 98 का ऐसा फैक्टर करना है और ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो 98 आ जाए और प्लस माइनस कर दे तो 7 आ जाए, वो दो नंबर क्या हो सकते हैं सोचो, चलो सोचो नहीं करो। तो यहां पर हम लोग पहले फैक्टर निकालते हैं, 2 4 जा हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा, अब 2 से जाएगा क्या ये, 3 से जाएगा, देखो किससे जाएगा 7 से जा सकता है ना, 7 7 जा 49 और यहाँ 7 यहाँ पर 1। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है 7 × 7, ओके अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 7 × 7, ठीक है 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 2 आ जाएगा, मगर 49 − 2 करेंगे तो हमारे पास 7 नहीं आएगा, हमारे पास आएगा 45, हमें तो चाहिए भैया 7, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ और तरीका लगाएंगे, देखो कैसे। अब हम लोग करते हैं 7 2 जा 14, ठीक है क्या लिखेंगे 7 2 जा 14, अब यहां पर बच रहा है 7 तो यहां पर एक बार -7 करके देगा तो भाई 7 आ गया हमारे पास, प्लस का 7 आ गया, प्लस 7 चाहिए था। अब हम लोग 14 × 7 कर देंगे, 14 × 7 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 98, तो भाई सही है हमें मिल गया, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है प्लस माइनस करने पे ये आ रहा है, यही चीज हमें चाहिए हो गया। अब हम लोग यहां पर लिख देते हैं, यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है अब इसको हमने ब्रेक किया था ना 7 को, कैसे ब्रेक किया था 14 − 7, तो यहां पर लिखेंगे 14 और साथ में लिख देंगे x, यहां पर भी x है, माइनस लिखा 7 और यहां पर भी x कर दिया और माइनस कर दिया 98, बस हो गया। अब देखो ये एक में कर दो, ये एक में कर दो और इसे कॉमन निकालो, तो अगर कॉमन निकालोगे इससे इस वाले से तो x कॉमन आ जाएगा, साथ में यहां पर x हो जाएगा प्लस यहां पर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से -7 कॉमन निकाल लो तो यहां पर बचेगा एक्स, हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो हमें मिल जाएगा यहां पर प्लस, ठीक है। अब देखो 7 से इसे डिवाइड कर दो 14 टाइम चला जाएगा तो 14 आ जाएगा, तो हमने देखा ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कर रखा है, ठीक है। तो अब इसको एक ब्रैकेट में कर दो, x प्लस 14 बोल दो और जो यहां पर बचा x माइनस 7 तो यहां पर कर दो x माइनस 7, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब 6 पे आ जाओ, 6 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24, भाई साहब अब तो इसमें रूट आ गया, अब कैसे करोगे, अभी तक तो भाई बहुत इजी था, एक नंबर था उसको ब्रेक किया मल्टीप्लाई किया आ गया, मगर अब तो रूट में आ रहा, रूट तो भाई काफी डेंजरस लग रहा है देखने में। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी तक 5 क्वेश्चन किए, देखो सबसे पहले वही रूल है 24 का मल्टीप्लाई आगे से करो, आगे से इसमें 1 ही दिख रहा है
तो 24 इंटू वन मतलब हो गया 24, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 2√3 है, बीच में लिखा है 2√3। अब इसके ऐसे फैक्टर करो, फैक्टर करने पे जो नंबर आए उसका ऐसा मल्टीप्लाई करो और माइनस प्लस करो कि हमें ये दोनों मिल जाए। देखो कैसे, देखते हैं। यहां पर हमने फैक्टर किया 24 का, ये जाएगा हमारा 2 से पहले, 2 1 2 2 2 4, फिर ये 2 से फिर जाएगा 2 6, फिर 2 से जाएगा तो ये 3, फिर ये 3, फिर ये 4 1। ओके, तो यहां पर अब इसे ऐसे चेक करो कि यहां पर मल्टीप्लाई करने में 24 आ जाए। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर यहां पर किसी का भी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो 24 आ जाएगा। देखो 3 2 6 करोगे, ठीक है, 6 2 12 करोगे, 12 2 24 आ जाएगा। अब तुम ऐसे करो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 आ जाएगा। मगर इसमें मैटर क्या करता है, मैटर करता है ये 2√3 हमको लाना है, ऐसा कुछ हमें बनाना है। तो कैसे करोगे, अब इसको ध्यान से देखना। देखो यहां लिखा है 2√3 लिखा है ना, √3 लिखा है ना, अभी तुम 2 को भूल जाओ, √3 लिखा है ना। तो देखो ये चीज याद होगी तुम्हें कि √3 इंटू, अगर हम लोग √3 करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आता है। ये बात पता होगी ना कि अगर दो रूट हैं और सेम है अंदर नंबर तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, 3 बन जाता है। जैसे यहां पर 4 होता है, 4 होता है, √4 √4, तो यहां पर 4 आ जाता है। वैसे ये चीज देखो, यहां पर लिखा है √3। अब यहां पर हमारे पास बच रहा है सिर्फ 3 है ना, 3 है ना। अगर 3 को हम लोग ऐसे लिखते √3 × √3, बन तो जाएगा हमारे पास क्या, 3 ही बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। और यहां पर लिखा है 2 2 4 और यहां पर 2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते 4√3 ओके −2√3। देखो जो ये √3 था इसको हमने ऐसे लिखा √3 × √3, अब 2 × 2 कर दिया 4 आ गया, तो हमने लिखा 4√3 ओके। और यहां पर एक 2 बचा ना, इसको लिख दिया हमने 2√3, बीच में माइनस इसलिए लगा दिया, अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो 2√3 आ जाएगा, जो कि हमारा ये है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 4 2 हो जाएगा 8, ठीक है, मल्टीप्लाई √3 × 3 हो जाएगा 3, और 8 3 24, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास 24 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ गया। समझ गए इतनी बात, तो वही चीज अब हम लोग इसमें करते हैं। तो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, अभी इसको ब्रेक किया ना, कैसे ब्रेक किया था, 4√3 −2√3 माइनस यहां पर क्या है 24। अब इसमें से क्या करो, कॉमन ले लो। चलो पहले इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं। देखो यहां पर x है ना, तो यहां पर हमने x लिखा नहीं, यहां पर x जरूर लिखो, यहां पर बीच में माइनस है, तो हम लोग x कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा x प्लस 4√3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसमें से भाई क्या कॉमन लोगे, कैसे करोगे, अगर कॉमन ले भी लोगे तो ये 24 को कैसे कॉमन लेके बताओगे कितना बचेगा। देखो सिंपल से बात, यहां लिखा है 24, अब इसको डिवाइड करो, मान लो तुम 2√3 कॉमन ले रहे हो, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, 2 से करोगे कैंसिल, तो 2 कितने टाइम चला जाएगा, 12 टाइम, ठीक है। अब देखो ये 12 टाइम जा रहा है, 12 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 4 × 3 लिख सकते हो, डिवाइड में हमने लिख दिया यहां पर √3 बचा। अब 3 को तुम फिर ऐसे लिख सकते हो 4 × √3 × √3, डिवाइड में है क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचा 4√3, ये बचा हमारे पास सिर्फ, ओके क्या बचा, बचा हमारे पास 4√3। समझ गए इतनी बात, तो हम लोग यहां पर ना अब लिख देते हैं −2√3 को लिया कॉमन, और यहां पर आ जाएगा एक्स, एक्स बचेगा माइनस, जब इसको हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4√3। अब एक चीज और, यहां पर हमने −2√3 कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा प्लस, बस। अब देखो x + 4√3 दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सही किया। अब यहां पर x + 4√3 लिखा, और यहां पर कर दिया x − 2√3। देखो एक चीज तुम्हें सिंपल सी बताए है, बहुत इजी है, सोल्यूशन भी करना नहीं पड़ेगा। देखो अगर तुम्हारे पास ये कर नहीं पा रहे हो, ये डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, पहले तो पहली बात तो खूब प्रैक्टिस करो कि तुम डिवाइड कर लो, ठीक, आगे दिक्कत ना हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में तुम क्या करना कि जो यहां पर आ रहा है सेम वही चीज यहां पर लिख देना, बस आंसर सही आ जाएगा। यहां पर देखो x + 4√3 आ रहा है, x + 4√3 लिख देना, ओके, और यहां पर ऐसे कर देना। हाँ मगर ये चीज ध्यान से कॉमन लेना, कॉमन सही लेना, फिर ये दोनों ब्रैकेट को सेम कर देना, तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 x² - 21x + 90। अब देखो इसमें √√ का कोई लफड़ा नहीं है,
तो हम लोग इसे इजिली सॉल्व करेंगे कैसे, लास्ट वाला और पहले वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो आता है हमारे पास सिर्फ 90, 90, 90। बीच में हमारे पास दिया हुआ है इस बार -21। अब देखो हमें इसे फैक्टर करना है, इसको फैक्टर करके ऐसा कुछ लाना है, ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने में 90 आए और उन दोनों को प्लस या माइनस करने में -21 आना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। 90 का तो पहले हम लोग फैक्टर करते हैं, तो ये हमारा किससे जा सकता है 2 से, चलो पहले चला जाएगा 45 टाइम चला जाएगा, फिर ये हमारा जाएगा 5 से, 5 9 जा जाएगा, फिर ये 3 से चला जाएगा 3 3 3 1। ठीक है, हो गया इतना फैक्टर हमने कर लिया। अब इन नंबरों को ऐसे एडजस्ट करो कि दो नंबर बन जाए और उन दोनों को प्लस माइनस करने में 21 माइनस का आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 90 आ जाए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 2 10, अगर इन दोनों को एक साथ करते हैं 10 और 3 3 9 करते हैं तो 10 × 9 कर दोगे तो 90 तुम्हारा बन जाएगा, 10 × 9 90 बन गया। मगर अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 19 बन जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1 बन जाएगा, है ना। मगर हमें क्या चाहिए -21, तो इसका मतलब ये हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, दूसरा बना के देखें, अगर हम लोग 5 3 15 करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 15 करते हैं ठीक है, और यहाँ पर 3 2 6 करते हैं 6, तो 15 6 आ जाएगा हमारे पास 90, समझ गए इतना। ओके, और हम लोग इसमें अगर -15 किया और -6 किया तो ये हमारा -21 बन जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी माइनस माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 90 आएगा। अब देखो हमारा दोनों आ रहा मल्टीप्लाई करने में ये, और प्लस माइनस करने में -21 आ रहा है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गई, अब इसे उठाएंगे यहां पर पुट करते हैं, तो यहां पर x square लिखेंगे, बीच में हमारे पास -21x है ना, तो -21x जगह पे हम ये लिख देंगे -15 और यहां पर x है तो x लिखा, और यहां पर -6 है तो -6 लिखा, और यहां पर x लिखा, प्लस 90 लिख दिया, बस इतना क्या। अब देखो इसमें, देखो इनमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं उसको निकालो और आंसर निकाल के दिखाओ। इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, अंदर बचेगा x -15, और इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं -6, ठीक है, तो अंदर बचेगा x। देखो अब हमने -6 कॉमन लिया माइनस, तो ये प्लस से माइनस बन जाएगा। ओके, और 6 से 90 को डिवाइड कर दो, 15 टाइम चला जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, देखो x -15 दोनों सेम है ना, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x -15 एक ब्रैकेट में और x -6 दूसरे ब्रैकेट में, और ये हो गया हमारा आंसर, तो आंसर 7 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 8 में आ जाओ, 8 फिर हमने वही रूल लगाया इसमें, यहां पर पहले वाले और आखिरी वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 ही आएगा, बीच में हमारे पास क्या है -22 है, तो हमें इसे ऐसे फैक्टर करना है कि फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई करे दो नंबरों का तो 120 आ जाए, और उन्हीं दो नंबरों को माइनस या प्लस करे तो हमारे पास 22 आ जाए। तो वो दो नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे पता है, वो निकालेंगे इसको फैक्टर करके। चलो करते हैं फैक्टर, तो इसे हमने क्या मान लो किया हमने 2 से, चलो 2 से किया 2 6 और यहाँ पर 2 कितने टाइम चला जाएगा, ये 0 जाएगा या 60 हो जाएगा ना, 2 से करो 30 और 2 से करो 15, फिर 3 से करो तो 5 और 5 से करो 1। तो अब देखो इसमें हमें ऐसा कुछ करना है, दो नंबर निकालो कैसे करके, अगर 2 2 4 करते हैं, 4 2 8 करते हैं, और 5 3 15, 8 × 15 किया तो हमारे पास 122 आएगा, मगर 22 आएगा क्या, देखो 5 3 8 नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि 23 हो जाएगा, मगर हमें तो माइनस ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये गलत है। अब देखो हम लोग करते हैं 2 2 4 ठीक है, और 3 4 12 इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 12, और ये 5 2 10 कर दिया तो यहां पर 10 किया ठीक है, यहां माइनस लगाया और यहां माइनस लगाया, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, वो भी प्लस का। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, -12 -10 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, वो भी आएगा माइनस का। देखो हमने बना लिया इक्वेशन, देखो मल्टीप्लाई करने में 122 आ गया और इसको सॉल्व करने में है ना क्या आया हमारे पास 22 आ गया माइनस का वो भी, तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पे रखते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है x square, यहाँ x square किया, यह -22x है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग ये रखेंगे, तो यहां लिखेंगे -12x, ओके -10x और +120, समझ गया इतनी बात। अब इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x -12, यहां में से कॉमन लो तो इसमें से -10 कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा x, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा प्लस की जगह हो जाएगा माइनस,
यहाँ जाएगा 12, दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर x माइनस 12 कर दो और यहाँ पर x माइनस 10, x माइनस 10, बस ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी। अब इसी तरह हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आ जाओ। 9 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ओके, तो अब यहां पर देखो, यहां पर 3 है, 3 का आगे मल्टीप्लाई करोगे, 3 वन जर 3 ही आएगा मेरे भाई, आएगा ना, तो यहां पर 3 लिखा। बीच में क्या दिया हुआ है, माइनस 4 है। अब भाई इसका ऐसा फैक्टर कर दो कि हमारे पास माइनस 4 आ जाए। देखो कैसे, सिंपल सी बात है, फैक्टर करने जाओगे 3 आएगा। अगर हम लोग माइनस 3 इंटू माइनस 1 करते हैं तो 3 वन जे 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस सॉरी 3 वन जे 3 आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का 3 आएगा जो ये है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करें तो माइनस 3 और माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, आ जाएगा ना माइनस 4 जो हमें चाहिए। आ गया, समझ गए इतनी बात। कितना ईजी है, ये सबसे ईजी अभी तक का, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर और बीच में हम लोग लिखेंगे माइनस 3 एक्स, यहां पर एक्स है तो एक्स किया, और माइनस 1x प्लस 3 कर दिया बस। अब इसमें से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो तुम्हें एक्स कॉमन दिखेगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहां पर 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, और अंदर बचेगा एक्स, ये प्लस से माइनस बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, और यहां आ जाएगा 3। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर लिखो एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट 6x प्लस 60। देखो अब देखो, जो 10 है ना वो भी हमारा क्या आ गया है, रूट में आ गया, तो इसे बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। रूट वाले आंखें बंद करके नहीं, आंखें बहुत बड़ी करके ध्यान से घूर घूर के करना, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो यहां पर हम फिर से करेंगे 60 इंटू 1 करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 60 इंटू 1 मतलब 60, बीच में हमारे पास दिया हुआ है 7 रूट 6। अब हमें इसे ऐसा फैक्टर करना है, चलो फैक्टर करो पहले फिर बाद में देखेंगे। 60 क्या है, 2 से करो 30, फिर 2 से करो 15, फिर 3 से करो 5, फिर 5 से करो 1। ठीक है, अब इससे हमें ऐसे नंबर दो लाने हैं कि मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाए, ठीक है, और जब प्लस माइनस करें तो 7√6 आ जाए। तो कैसे कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है √6, तो सबसे पहले हम लोग √6 मतलब 6 को बाहर निकाल लेते हैं। अगर हम लोग 3 2 6 करते हैं ना तो 6 बन जाएगा, यहां पर 6 है ना, बन गया 6। अगर हम लोग 6 को ऐसे लिख दे √6 इंटू √6, कोई दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि √6 इंटू √6 करोगे तो 6 ही आता है, कोई फर्क पड़ रहा नहीं। और इसके साथ हम लोग यहां पर बचा क्या हमारे पास 5, और यहां बच रहा 2, यहां पर 5 लगा दें और यहां पर 2 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, देखते हैं। यहां लिखा हमने 5√6 इंटू 2√6, तो 5 2 हो गया हमारे पास 10, ठीक है, 6 इंटू 6 हो गया, √6 इंटू √6 हो गया 6, 10 इंटू 6 60, क्लियर है, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्लस कर देते हैं, 5√6 प्लस 2√6, तो 5 2 7 हो गया, 7 हो गया, ये हो गया √6। देखो मल्टीप्लाई करने में ये आ गया और प्लस करने में हमारे पास ये आ गया, हमें यही तो चाहिए था, आ गया, तो इसका मतलब ये सही हुआ। देखो जो रूट वाले हैं ना उनको थोड़ा अच्छे से सोच समझ के बनाओ, सबसे पहले उनका रूट देख लो, और जो हम लोग फैक्टर करते हैं ना उसी से रूट से रूट बना लो उन्हीं फैक्टर से। जैसे हमने अभी बनाया 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, यहां पर 6 था ना, तो हमने क्या किया रूट लगा दिया दोनों में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। फिर यहां पर क्या बचा, 2 बचा, यहां पर 5 बचा, हमने देखा इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे तो हमारा इस तरह आ जाएगा, तो हमने यहां पर लिख दिया, तो इजी हो गया करना। ऐसे ही आप लोग करो, प्रैक्टिस करो तो आप परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, समझ गए। चलो आ जाओ, यहां पर होगा एक्स स्क्वायर और यहां पर लिखा हुआ है प्लस 7√6x है ना, √6x, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये, यहां लिखा 5√6x प्लस 2√6x प्लस 60, बस हो गया काम, काम खत्म। अब इन दोनों को एक को कर दो, इन दोनों को में एक कर दो और कॉमन निकालो, x कॉमन ले लो इसमें से, तो यहां पर x प्लस 5√6 बचेगा, यहां पर में 2√6 कॉमन ले लो तो यहां पर बचेगा x और प्लस, ठीक है। अब देखो यहां पर है 60, अब 60 को इसे डिवाइड करो, कहां पर करें, यहां पर करते हैं, यहां पर है 60, डिवाइड करो किसे,
टू रूट सिक्स है, तो टू से इसे कैंसिल करो, 30 चला जाएगा, 30/√6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 5 30, तो 5 × 6। ठीक है, और 6 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको यहां पर, इस जगह नहीं है तो यहां पर करते हैं, या इसका मतलब ये हुआ 5 × 6 को हम लोग √6 × √6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है? देखो तो 6 है ना, 6 को हम लोग √6 × √6 लिख सकते हैं, नीचे हमारे पास √6 दिया है, कैंसिल करो, यहां पर आ जाएगा 5√6, ये बचेगा, वही चीज यहां लिख दो, 5√6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो x+5√6, x+5√6 है, ये एक ही ब्रैकेट में, तो इसे कर दो x+5√6 किया, ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में करो x, फिर करो +2√6, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करो और भाई दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल पर नए हो और चाहते हो कि इस तरह के सारे सोल्यूशन मिले एक एक क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चन है, पिछली एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चन थे, सारे भाई साहब हमने सॉल्व किए और इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है उसमें जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और अपना आंसर ले सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखो।